राइट बच्चों। हाँ, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? ये क्या कह रहा है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस, सम ऑफ देम मूव फास्ट, ये हमने कर लिया था। हम यहां पर थे, द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। तो मैंने समझा दिया रेट का क्या मतलब है, कि यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, दैट इज रेट। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट सेम सेम रेट। अगर एक यूनिट टाइम में वो बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो क्या है, बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो क्या है, वो सेम रेट से मूव कर रहे हैं। अगर यूनिट टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो डिफरेंट रेट से मूव कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है बच्चों, ये हमने कर लिया कि वन ऑफ द वे टू मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मैंने आपको बता दिया, जैसे कि 1 सेकेंड, करेक्ट। चलते हैं आगे। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड एज स्पीड। एंड बच्चों, यूनिट सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे कहा जाता है स्पीड। क्या कहा जाता है? स्पीड। मतलब रेट ही एक टाइप से क्या है, स्पीड है। जिस रेट से वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वही क्या है, स्पीड। या यूं समझो कि 1 सेकेंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या बन गई, उनकी स्पीड। अब 1 सेकेंड में मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने 1 सेकेंड के अंदर 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। क्या कवर किया? 5 मीटर डिस्टेंस। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर एक ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, सॉरी 10 किलोमीटर तो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर बच्चों एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में, 1 मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 मिनट में, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट, राइट। ठीक है, तो बच्चों टाइम की एक स्पीड की एक यूनिट तो होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसको कैसे ले आप लिखोगे, इस टाइप से, मीटर पर सेकंड, राइट। ये स्पीड की क्या है, स्मॉलर यूनिट है। और एसआई यूनिट भी यही है, एसआई तो समझते हो ना, एसआई यूनिट भी स्पीड की क्या है, यही है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अनदर यूनिट, कुछ और यूनिट भी बच्चों स्पीड की हैं, राइट। जैसे कि किलोमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर ज्यादा ही छोटा डिस्टेंस कवर हो रहा है, जैसे हमने अर्थ वर्म वाला एग्जाम्पल लिया था कि वो तो बहुत ही धीरे चलता है, सेकेंड पर सेंटीमीटर्स में चलता है, वो तो 1 सेकेंड में बहुत ही छोटा डिस्टेंस कवर करेगा। उसकी स्पीड को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये छोटी यूनिट हो, और छोटी यूनिट हो गई। एंड बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम उसकी स्पीड को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में, राइट। सो ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। स्मॉलर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। लार्जर यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्पीड, करेक्ट। चलें आगे। अब आगे क्या कह रहा है ये, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड होता है, फिजिकल क्वांटिटीज, ये स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं, राइट। इसमें जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, राइट बच्चों। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या है, मैग्नीट्यूड। तो 5 मीटर पर सेकेंड में 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, राइट। एंड बच्चों स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और ये बताओ, मैंने पिछली क्लास में बताया था जिस यूनिट में
जिस फिजिकल क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर होती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस फिजिकल क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होती है? स्केलर होती है, वो वेक्टर नहीं होती है। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, करेक्ट। सो इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड देन इट इज क्या है, वो स्केलर है। एंड इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो वो वेक्टर है। सो स्पीड में बच्चों कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड टू बी कहाँ से हम द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कॉन्स्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक बात बताओ, जब आप मार्केट जाते हो, मार्केट जाते हो यहाँ से पापा के साथ, आप कार कार में मार्केट जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ से लेकर मार्केट तक कार एक स्पीड से चलती रहेगी, है ना? कहीं धीरे होगी, बीच में स्कूल के सामने ब्रेकर भी है वहां पर धीरे होगी, सन सिटी के गेट से टर्न लेंगे तब भी धीरे होगी। तो कार ने हमेशा स्पीड एक जैसी तो नहीं रखी, कभी तेज थी कभी धीरे थी, राइट। तो हो भी सकती है। मान लो आपने कार चलाना स्टार्ट किया, आपकी कार अब 40 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है ना? अभी आपके पास 9 बजे हैं, मान लो 9 बजे हैं, आपने आप पहले से चलते आ रहे थे, लेकिन 9 बजे आपकी कार की स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर आवर। और 9:30 बजे तक आपकी कार इसी स्पीड से चलती रही, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती रही, तो इस ड्यूरेशन में कार की स्पीड कॉन्स्टेंट है, करेक्ट। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। यूजुअली हमारे जो रोड है इन पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वो आप समझ सकते हो क्यों नहीं है। आगे ट्रैफिक आ गया, टर्न आ गया, ब्रेकर आ गया, देयर मे बी सो मेनी रीजंस, ठीक है। वहाँ पे आपने मीटर लिखा है, 40 मीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर कर लो इसको, ठीक है। अच्छा लेकिन बच्चों एक बात बताओ, आप यहां से मार्केट गए और मार्केट का डिस्टेंस यहां से कितना है? 1 किलोमीटर है। कितना है? 1 किलोमीटर है। यहां से मार्केट का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर है। और आपको जाने में वहां, या मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा इजी करने के लिए, यहां से मार्केट का डिस्टेंस 600 मीटर है। 600 क्या है? मीटर है। और आपको वहां तक जाने में 60 सेकेंड लगे। कितने टाइम लगा? 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट लगा। तो आपकी स्पीड क्या हो गई पर सेकेंड? 1 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मिलिट्री मेथड लगाओगे आप तो क्या आएगा? 600 बाई 60, ठीक है, कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपने हर सेकेंड 10 मीटर ही किया हो। हो सकता है कभी आपने 11 किया, कभी आपने 9 किया, और उसका एवरेज आ गया 10, राइट। सो बच्चों जो हम स्पीड बताते हैं, दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा नहीं कि आपने हर सेकेंड 10 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया था। कभी आपने हो सकता है 9 किया हो, कभी आपने 11 किया हो, कभी 10 भी किया हो, कभी 8 किया हो, कभी 12 किया हो, बट एवरेज क्या आ गया कि 10 आ गया। तो जो हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं दैट इज एवरेज स्पीड। जो ये हम बात कर रहे हैं ना 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज एवरेज स्पीड, राइट। ये क्या होती है? जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो वो एवरेज स्पीड होती है, करेक्ट। वो बेटा मिस प्रिंट, उसको ठीक कर लेना, क्योंकि बुक्स जब कई अलग अलग जगह से प्रिंट होती हैं तो बहुत सारी बुक्स में मिस प्रिंट्स हैं, राइट। कोई बात नहीं बेटा, वो ज़्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। स्पीड की यूनिट जहाँ भी होगी मीटर पर सेकंड है, अगर बुक में ठीक नहीं है तो आप उसको करेक्ट कर लेना। चले आगे, जरा देखो बच्चों, आओ बच्चों इधर आओ, इधर देखो क्या कहता है आगे। तो जो हम स्पीड की बात करते हैं बच्चों वो क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है। और एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं? कि जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा। यहाँ से आप अंबाला जाते हो, आप अंबाला यहाँ से जा रहे हो पंचकुला से, आपको जाने में वहाँ 1.5 आवर लग गया। कितना? 90 मिनट्स लग गए।
टोटल डिस्टेंस आप देखोगे कितना है अंबाला का यहां से, ठीक है, टोटल डिस्टेंस देखोगे कितना है, राइट, टोटल डिस्टेंस को जितना टोटल टाइम लगा उससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगी आपकी एवरेज स्पीड आएगी। आप ये तो नहीं देखोगे ना आपकी कार ने हर से पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में कितना किया, ऐसे मेजर करते हुए तो नहीं जाओगे आप, है ना। आप सिर्फ ये देखोगे कि कार ने पंचकुला से लेकर अंबाला तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आप उसको टाइम से डिवाइड करोगे टोटल टाइम कितना लगा यहां से वहां जाने में, तो वो जो आपकी स्पीड आएगी दैट इज एवरेज स्पीड, करेक्ट। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं बच्चों तो वो क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। और एवरेज स्पीड फाइंड करने का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है बच्चों। और जैसे आप इस स्पीड ऐसे जा रहे हो, कभी स्पीड कम है कभी स्पीड ज्यादा है, तो वो कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा मोशन है वो, नॉन यूनिफॉर्म नॉन मोशन। यूनिफॉर्म है। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को बच्चों मैंने पहले भी बताया था थोड़ी देर पहले, डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो स्पीड का फार्मूला क्या बन गया, वी इज इक्वल टू एस, वी मीन स्पीड, वी स्टैंड्स फॉर स्पीड, तो स्पीड अपॉन टाइम दिस इज योर एवरेज स्पीड, करेक्ट। चले आगे, आगे क्या कह रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 घंटे में इन्होंने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो इनकी एवरेज स्पीड क्या है बच्चों, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस आपको दिया है किलोमीटर में और टाइम आपको दिया है आवर, आवर्स में, तो आपका आपकी जो स्पीड आएगी दैट विल बी इन किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। चलें आगे, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों वो कार हर घंटे क्या कैसे चल रही थी, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही थी। हो सकता है उस कार ने फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर ट्रेवल किया हो और सेकेंड आवर में उसने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है फर्स्ट आवर में उसने 70 किया हो, नेक्स्ट आवर में उसने 30 किया हो, या हो सकता है फर्स्ट में उसने कितना किया हो, फर्स्ट में उसने 20 किया हो, सेकेंड वाले में उसने 70 आवर्स किया हो, कवर किया हो, राइट। सो एवरेज स्पीड जो हम स्पीड बताते हैं वो एवरेज स्पीड होती है, राइट। चलें आगे, अब ये क्या कह रहा है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो ये बच्चों 16 मीटर क्या हुआ, डिस्टेंस, और 4 सेकेंड क्या हुआ, टाइम। तो ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है बच्चों, 16 मीटर। ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है, 16 मीटर, कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। ऑब्जेक्ट कहां से कहां आया, ए से बी। ऑब्जेक्ट कहां से कहां आया, ए से बी तक। टाइम कितना लिया इसने, 16 मीटर, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल किया 16 मीटर, और टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड। उसके बाद अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, आगे की जो 16 मीटर है यानी कि बी टू सी, वो 16 मीटर इन्होंने 2 सेकेंड में ट्रेवल किया। अब ये हमसे क्या पूछना चाहता है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम क्या पढ़ के आए हैं अभी, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये पढ़ा हमने। ये हमसे पूछना चाहता है कि ए से सी तक एवरेज स्पीड क्या है। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टोटल डिस्टेंस जो हमारा क्या है, S1 प्लस S2। S1 कितना है, 16। S2 क्या है, दैट इज ऑल्सो 16। 32। तो टोटल डिस्टेंस इज 32 मीटर, राइट। उसके बाद बच्चों इन पैरा ये ए से बी तक इन्होंने जो टाइम लिया है वो कितना है, 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 दैट इज 2 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड, करेक्ट। अच्छा तो टोटल डिस्टेंस इन कार ने कितना ट्रेवल किया है, ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया, 32 मीटर, और टोटल टाइम कितना लिया इन्होंने, 60 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, 32 अपॉन 6, और ये किस में आएगी, डिस्टेंस किस में है, मीटर में, मीटर में, एंड टाइम किस में बच्चों, सेकेंड में, तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको डेसिमल में निकाल सकते हो, डेसिमल में फाइंड कर सकते हैं आप, तो कितना आएगा ये डेसिमल में फाइंड करेंगे तो आप,
हाँ ये आपका डिवाइड करके देखेंगे तो 5.33 मीटर पर सेकेंड ये आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं वेलोसिटी पे। ये वेलोसिटी क्या चीज होती है बच्चों? स्पीड, जैसे हमने पीछे स्पीड के बारे में बात की थी कि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट? अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए, जैसे मैं कहता हूं कि मैं किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूं, मैं स्पीड कर रहा हूं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टुवर्ड्स नॉर्थ, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर जो 40 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज मैग्नीट्यूड। जो 40 है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। एंड उसके साथ में मैंने क्या ऐड कर दिया? डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये क्या बन गई? सो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऐड हो जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? वेलोसिटी। अकेला अगर मैग्नीट्यूड होता है तो वो क्या होती है? वेलोसिटी नहीं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अकेला मैग्नीट्यूड होता है तो वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी ऐड हो गई, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर को बच्चों हम टुवर्ड्स नॉर्थ को स्पीड नहीं कहेंगे, इसको हम वेलोसिटी कहेंगे। डिनोट वेलोसिटी को भी वी से ही किया जाता है। वेलोसिटी को भी कैसे डिनोट किया जाता है? वी से ही डिनोट करते हैं, राइट? अच्छा, जैसे स्पीड में बच्चों, स्पीड किसी की स्पीड कब चेंज होगी? मान लो कोई ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जब तक ये अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा तब तक स्पीड चेंज नहीं होगी। हो सकता है ये ऑब्जेक्ट अब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू कर दे, तो अब इसकी स्पीड चेंज हो गई, राइट? यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कब चेंज होती है, सॉरी एक स्केलर क्वांटिटी कब चेंज होती है जर्जित? कब चेंज होती है कोई फिजिकल, कोई स्केलर क्वांटिटी कब चेंज होती है? जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। ठीक है बेटे, क्लास में आउट मत जाए, आउट चले जाओ। ठीक है, कोई स्केलर क्वांटिटी कब चेंज होती है? जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, एक कार है जो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, कहाँ मूव कर रही है? ईस्ट की तरफ, 40 किलोमीटर पर आवर। इस कार ने अपनी स्पीड चेंज नहीं की और अब इसने साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, स्पीड इसकी वही है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बताओ क्या इसकी वेलोसिटी सेम है या अलग है? बच्चों मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, पहले भी 40 था अभी भी 40 है, लेकिन बच्चों डायरेक्शन चेंज हो गई। वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो क्वांटिटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज होने से होती है, चेंज होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों में से कोई भी एक चेंज हो जाए या फिर दोनों चेंज हो जाए तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी? हम उसको चेंज मानेंगे, राइट? सो यहाँ पर देखो, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी का सेम रहा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गया। सो व्हाट इज इट? ये एक अलग वेलोसिटी है और ये एक अलग वेलोसिटी है। दोनों वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? अलग है, राइट? बिकॉज डायरेक्शन इज चेंज। पहले वेलोसिटी में डायरेक्शन अलग है, सेकेंड में अलग है। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेक्टर क्वांटिटीज विल बी डिफरेंट, करेक्ट? वेलोसिटी को हम क्या कैसे कह सकते हैं? वेलोसिटी इज ए डायरेक्शनल स्पीड। वेलोसिटी इज ए डायरेक्शनल स्पीड, एक ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, वो क्या होती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, राइट? एक जैसी डायरेक्शन रह पाना या एक जैसा मैग्नीट्यूड रह पाना, दोनों तो बहुत मुश्किल है, राइट? दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी, तो वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। यूनिफॉर्म कब होगी? जब मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। हमने जितने टाइम के लिए मौसम को ऑब्जर्व किया है उतने टाइम के लिए डायरेक्शन भी सेम रहे और वेलोसिटी भी सेम रहे, तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। हमने एक ऑब्जेक्ट को एक घंटे तक ऑब्जर्व किया, कितने टाइम तक ऑब्जर्व किया? एक घंटे तक। उस एक घंटे में उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई,
तो उसकी ह्यूरिस्टिक कैसी है, यूनिफॉर्म। लेकिन दोनों में से कोई भी एक चेंज हो गया, या तो स्पीड चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, या डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, राइट सर, इट कैन। हाँ सर, अगर कुछ भी चेंज हुआ, डायरेक्शन भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फिर वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। बस बच्चों दो मिनट और दो, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप दूसरे बैच के बराबर रहें। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। अगर आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड यानी कि चेंज हुआ तो चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी चेंज हो जाएगी, या दोनों चेंज हुए तो ऑब्वियसली फिर तो चेंज हो ही जाना है। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of the average velocity. बच्चों, average velocity, average speed आपने कैसे निकाली थी? Average speed हमने निकाली थी, v average is equal to, बोलो, total distance upon total time. ये हमारी average speed थी. Average velocity कैसे निकालते हैं बच्चों? In case वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, वेलोसिटी कैसी है, चेंज हो रही है, एट ए यूनिफॉर्म रेट, एट ए यूनिफॉर्म रेट मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन बराबर चेंज हो रही है, राइट ठीक है, देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है बच्चों? तो उसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है। जब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया उसकी वेलोसिटी कितनी थी, और जब ऑब्जेक्ट अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, राइट राइट। सो इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। So, formula of average velocity is initial velocity plus final velocity divided by 2. Average speed का formula कुछ अलग था बच्चों, total distance divided by total time. ठीक है, लेकिन average velocity का formula क्या है, initial velocity plus final velocity divided by 2. Clear है ये चीज, ऐसे हम average velocity निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ये average velocity बच्चों उसी केस में निकलती है जब ये एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होती है वेलोसिटी, एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर बराबर वेलोसिटी चेंज हो। ऐसा नहीं है पहले वन मिनट के अंदर वेलोसिटी चेंज कितनी हो गई, वन मीटर पर सेकंड चेंज होगी, अगले इंटरवल के अंदर हुई 2 मीटर पर सेकंड चेंज, इतना नहीं, हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड ही चेंज होनी चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म रेट से चेंज होनी चाहिए, राइट तब निकलेगा ये एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, यहाँ तक आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है।